उद्धव जी यहाँ पर काफी समय तक रहते हैं। कुछ समय बाद मथुरा वापस लौटते हैं, भगवान के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव आने में बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं, दयालु कृपालु करुणानिधि सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, आपने खुद ने रखे हैं सब। भगवान कहते हैं, तुम्हें वहां भेजना मेरा सफल हुआ। इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है, यानी वो प्रेम तत्व मैं जो तुम्हें समझाना चाहता था वो तुम समझ गए। अरे उद्धव जी कहते हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? उन प्रेमियों को छोड़कर यहां पर बैठे हैं, उनके पास क्यों नहीं चले जाते? भगवान कहते, मैं नहीं जा सकता। कंस के बाद कंस के ससुर जरासंघ बार बार आक्रमण करते हैं, मथुरा में महल है, सैनिक है, हथियार है, तो वो हार कर चला जाता है। वृंदावन में कुछ नहीं है, एक आक्रमण और पूरी ब्रजभूमि खत्म हो जाएगी। तो कभी कभी मिलने चले जाया करिए। भगवान कहते, मैं वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको भनक भी लग गई कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां आक्रमण करेगा। तो एक काम करिए, उनको यहां बुला लीजिए। भगवान कहते, मैं वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां मैं एक ग्वाला था, मैं वहां उनके साथ बैठकर उनकी झूठन खाता था। तुम्हें पता है, देवकी माता जब सुबह उठकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं ना, तो वो सकुचाती है कि आशीर्वाद दू कि नहीं दू, क्योंकि वो जानती है मैं कौन हूं। और वही यशोदा माता मुझे खंभे से रस्सी के साथ बांध देती थी। जब सुबह उठने के बाद वसुदेव जी को हृदय से लगाता हूं, तो उनको लगता है कि वो ठीक से प्रेम करे कि नहीं करे, क्योंकि उनको लगता है कि वो जानते हैं मैं भगवान हूं। और वही नंद बाबा की जूतियां मैं अपने सर पर रखता था। मैं नहीं चाहता कि यहां आने के बाद उनको ऐसा लगे कि कन्हैया कैसा था, कैसा हो गया है, क्योंकि मैं एक राजा हूं। यहां मुझे युद्ध करना पड़ता है, राजनीति करनी पड़ती है, लोगों का वध भी करना पड़ता है। ये दृश्य वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज भी जब वो गोपियां, यशोदा मैया या कोई भी मुझे याद करते करते मूर्छा को प्राप्त होता है ना, मैं उन्हें सही सलामत उनके घर उठाकर लगा भेजता हूं। मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा।